बहुत दिनों के बाद शुद्धोदन को जब पुत्र हुआ तो विद्वानों से पूछा, इसका भाग्य बताओ क्या है। तो उन्होंने कहा, इसका सद्भाग्य है, उच्च भाग्य है, महाभाग्य है, पर उसमें बाधा है। बाधा क्या है? बोले, बाधा यह कि इसमें वैराग्य दिखता है, इसमें सन्यास दिख रहा है। इसके जीवन में हम सन्यास देख रहे हैं, वैराग्य देख रहे हैं, सत्यता देख रहे हैं, तो भाग्य में भोग नहीं दिख रहे हैं। सांसारिक भाग्य में ये भोग नहीं दिख रहे हैं। मेरा पुत्र भोग में रहे, मेरा पुत्र रुचियों में रहे, पदार्थों में रहे। तो बोले, अपने पुत्र को सत्य से वंचित रखना, जीवन का सत्य ना इसे पता लगे। तो पूछा था राजा ने कि जीवन का सच कहां से पता लगता है। तो बोले, रोगी को देखकर सच पता लग सकता है, वृद्ध को देखकर, दरिद्र को देखकर, कुरूप को देखकर, मृतक को देखकर। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम। हमारे सारे यत्न यही हैं कि वार्धक्य ना आए, बुढ़ापा ना आए, अशक्यता ना आए, असमर्थ ना हो जाए। द्युति दीप्ति कांति नवलता सौंदर्य मादकता मांसलता, ये आकर्षण जो तिलस्म है देह का बना रहे, इसलिए दिख न जाए बूढ़ा। और एक दिन बूढ़ा दिख गया, कोटरों में धसी आंखें, कमर कमान की तरह से झुकी है, चेहरे पर झुर्रियां हैं, और मैं तो आपसे भी कहना चाहूंगा, झुर्रियां हैं तो उनका स्वागत कीजिए, अच्छी बात है। अब वहां पहुंच गए, अब नए अनुभव लीजिए जीवन के। काया में शिथिलता है तो पूछा, ये कौन है? बूढ़ा है, ये सबको होना है। और ये कौन है? ये रोगी है जो अशक्य है, कराह रहा है। और ये कौन है जो लेटा है और चार लोग इसे लेकर जा रहे हैं? जी मृतक है ये। मृतक, मरना, ये क्या होता है? ये सबको मरना है। गाथा तो बड़ी लंबी, आंखें खुली। यहां एक बात और है, हम अपने को ठग रहे हैं, छल रहे हैं, हम सत्य को ढक रहे होते हैं, हम यथार्थ को छुपा रहे होते हैं, हम सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, यथार्थ को। इसे एक नया शब्द चला आजकल, शब्द तो अच्छा है, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, पर उतना मुझे रुचिकर नहीं लगता। एक शब्द बड़ा प्रचलित है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। मैं पॉजिटिव क्यों रहे, यथार्थ में क्यों ना रहे, रियलिस्टिक क्यों ना रहे? व्हाट पॉजिटिविटी? इस करते आप ढकना चाहते हैं, कोई चीज सहेजना चाहते हैं, कुछ और रखना चाहते हैं, जैसी नहीं है वैसी। सकारात्मक कुछ और शब्द है, हर पल सकारात्मक मत रहो। हाँ ये सच है, नकारात्मक भी मत रहिए, पर हर पल सकारात्मक भी मत रहो। तो क्या रहे? विधेयक रहिए, यथार्थ के साथ रहिए, सत्य के साथ रहिए, वास्तविकताओं के साथ रहो। अगर अवसान है सूर्य का तो ये सत्य है, इसे स्वीकार कीजिए। इसलिए बिल्कुल आज के प्रसंग में पहले वैराग्य है और ये भूषण है। काव्य बीजम सनातनम, रामायण को काव्य बीज कहा गया है। काव्य बीजम सनातनम सत्य बीजम सनातनम, सत्य का बीज है। जैसे ये बीज आपके अंदर जाएगा, जैसे ये राम बीज, ये रामायण का बीज जैसे ही आपके अंदर जाएगा,
आपके अंदर वैराग्य, धर्म, ज्ञान, सत्यता का प्रकाशन करेगा। जैसा बीज डालोगे वैसा फल मिलेगा। और जैसे बीज डाला जाता है, बीज के साथ ही फल आने लगते हैं। अंकुरित होता है बीज, पुष्पित होता है, फलीभूत होता है, सुरभित होता है, कुसमित होता है, उसके बाद मंजरी, काष्ठ, शाखाएं, छाया, छाल, गोंद, वलकल, हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद, बीज में से क्या नहीं निकलता। इसका पहला फल है वैराग्य। कथा का पहला फल है वैराग्य। और यह केवल कथा का फल नहीं है, यह महापुरुषों की सन्निधि का भी फल है। महापुरुषों के पास बैठकर व्यक्ति कुछ सुरति आती है, स्मृति आती है, अपनी याद आती, अपना वो घर, ओ घर, वो घर अपना, अपना घर, अपना अपनापन याद आता। नष्टो मोहाय स्मृति लब्धा करिष्ये वचन तब। अर्जुन ने पूरी कथा अथवा गीता सुनने के बाद यही तो कहा भगवान से, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस पूरी गीता को सुनने के बाद दो बातें हो गई, नष्टो मोहा, अब मोह नहीं रहा है, स्मृति लब्धा, अब मुझे स्मृति आ गई, अब मुझे पता लग गया क्या करना है। तो कथा का फल उपलब्धि वैराग्य है। और वैराग्य का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप सब छोड़ के चले जाएंगे, वैराग्य का अर्थ है कि आपको सत्य का बोध हो जाएगा, सत्य सत्य का, जड़ चैतन्य का, नित्य नित्य का, सूची असूची का, आत्मनात्म का। जिस देह के साथ हम रह रहे हैं, इस देह का सच तो पता लगे कि कब तक साथ रहेगी। जिस मन के साथ हम हैं, जिस बुद्धि के साथ हम हैं, जिस चित्त और चेतना के साथ हम हैं, हम जिस कारण शरीर के साथ हैं, ब्लॉक्स करके देखिए तो सही कि कौन कौन मेरे साथ है। हमारे साथ तो हमारा मन ही नहीं है, वो तो वस्तुओं के पास है, तो पदार्थों के साथ है। बुद्धि हमारे पक्ष में है ही नहीं। काव्य बीजम सनातनम, ब्रह्म बीज सनातनम, आनंद बीज सनातनम, प्रेम बीज सनातनम।